चोणां दा विगल बज चुकिया है पर अज तक सियासी पार्टियां वल्लों मुख्यमंत्री चेहरे नहीं ऐलाने गए। वड्डे सवाल यही ने कि सियासी पार्टियां बिना मुख्यमंत्री चेहरे दे चोणां लड़नगियां, कि सीएम चेहरा ना ऐलाने जाण पिछे कोई सियासी चाल है या फिर पार्टियां आपसी सियासी कलेश की मार हेठ सीएम चेहरे का ऐलान कर ही नहीं पा रही। पंजाब विधानसभा चोण विच कांग्रेस आम आदमी पार्टी वालों हाले तक मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान ना करना वड्डी चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे पर बयान दिता है कि अगले हफ्ते सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। सीएम चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक होगा। इस विचाले कौमी कांग्रेस पंजाब दे विच लगातार यूनाइटेड फेस नाल चोण लड़न की गल आख रही है, पर कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा लोग तय करते ने ना कि हाईकमान। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, वह भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग, तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम। कांग्रेसी सांसद मनीष तिवाड़ी ने सीएम चेहरे से वड्डा बयान दिता है जिसने स्पष्ट कर दिता है कि कांग्रेस विच हाले भी कुछ भी ठीक नहीं जाप रहा। मनीष तिवाड़ी लिखते ने कि जिस को चुनौतियों का हल होवे उस मुख्यमंत्री की लोड़ है, पंजाब नू गंभीर लोगों की जरूरत है जिन्हां की सियासत सोशल इंजीनियरिंग मनोरंजन से मुफ्तखोरी ना होवे। भगवंत मान जी नू मैं कहूंगा वो आप दा फैसला करा लेण कुर्सी दा, उन्हां नू लान रहे कि नहीं लान रहे केजरीवाल साहब जी ने। पंजाब में कमल खिलाने के लिए सामूहिक रूप से सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, जब कमल खिलेगा तब निश्चित रूप से सारे विधायक मिलकर के स्थापित परंपरा के हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करेंगे। भाजपा ने भी हाले तक मुख चेहरा नहीं ऐलानिया, हालांकि श्रोमणी अकाली दल दे लीडर गैर रस्मी तरीके नाल स्पष्ट कर रहे ने कि सुखबीर बादल की अगवाई दे विच गठजोड़ मुख चेहरे के तौर पर इलेक्शन लड़ेगा, पर रस्मी ऐलान हाले तक नहीं किया गया। पर सवाल यह है कि सीएम फेस बनने की दौड़ विच कांग्रेस के अंदर खाते कोल्ड वार जा रही है। आम आदमी पार्टी बारे पार्टियां तंज कसदियां ने कि कोई चंगा चेहरा मुख्यमंत्री के चेहरे लिए आम आदमी पार्टी नू नहीं मिलिया। इस वर दियां चोणां जेकर बिना सीएम फेस तो पार्टियां लड़नगियां तो उसका फायदा जहानी किस नू होवेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।